सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं डायरेक्टिंग का दूसरा एलिमेंट। पहला एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था सुपरविजन, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया था। डायरेक्टिंग का जो दूसरा एलिमेंट है वो है मोटिवेशन, और अब हम लोग मोटिवेशन को समझेंगे कि मोटिवेशन का बिजनेस में क्या यूज़ होता है। अगर रियल लाइफ में मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन का मतलब होता है किसी एक इंडिविजुअल को एनर्जी से भर देना, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है। तो यही मोटिवेशन का मतलब बिजनेस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल्स की जगह एम्प्लॉयज़ को रख दिया जाता है। क्लियर? सो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। मोटिवेशन को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि मोटिवेशन के जरिए एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट किया जाता है, उन्हें इंस्पायर किया जाता है, उनके अंदर जोश भर दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी से परफॉर्म कर सके। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो एक डिजायर्ड मैनर में काम करें, और डिजायर्ड मैनर में काम करने के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको वो पूरा कर सकें। यहाँ पर बात है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की। सबॉर्डिनेट्स का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयज से है। क्लियर? एम्प्लॉयर क्या करता है? सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है। अगर सबॉर्डिनेट्स मोटिवेट हो जाएंगे तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उस गोल को अचीव करवाया जा सकता है विद द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्यों कॉम्प्लेक्स होता है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स के बारे में, जो कि है मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं ये मिलते जुलते हैं, और काफ़ी हद तक इनका जो मीनिंग है वो जनरली सेम माना जाता है, लेकिन ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। मोटिव का मतलब है एक डिज़ायर या फिर कोई भी नीड जिसके लिए सारे बंदे काम करते हैं, तो वो होते हैं फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, दैट इज रोटी, कपड़ा, मकान। अगर हर एक बंदे के पास रोटी, कपड़ा, मकान है तो वो सर्वाइव कर सकता है, वो इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में वो जी सकता है, ठीक है। तो ये मोटिव होती है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डिज़ायर होती है, उनकी मोटिव अलग अलग होती है। जैसे कि एक वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन है, वर्ल्ड में सबसे टॉप पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए डिज़ायर अलग होगी। ऑन द अदर वे एक अगर कोई गरीब इंसान है, उसके लिए जो उसकी डिज़ायर है, उसका जो मोटिव है वो कुछ और होगा, ठीक है। तो हर एक बंदे की जो मोटिव्स होते हैं वो, उनकी डिज़ायर्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स को स्टिमुलेट किया जाता है, उन्हें इंस्पायर किया जाता है, जिससे कि वो अपने मोटिव को, अपने डिज़ायर को अचीव कर सके। क्लियर? अगला है मोटिवेटर। तो मोटिवेटर वो लोग होते हैं या फिर वो चीज़ें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं उस मोटिव को अचीव करने के लिए। हाँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिव हो गए, तो फिर से समझ लो। मोटिवेटर्स वो लोग होते हैं या फिर वो चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए हमारे अंदर जोश भरा जाता है, जिससे हम इंस्पायर होते हैं कि मुझे अपना गोल अचीव करना है, मुझे अपना मोटिव अचीव करना है। क्लियर? तो यहाँ पे ये तीनों टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि मोटिव क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है और मोटिवेटर्स क्या होते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में। फीचर के अंदर जो पहला पॉइंट है मोटिवेशन का, वो है मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। मोटिवेशन जो है वो एक इंटरनल फीलिंग होती है जिसको आप बाहर से नहीं डाल सकते। हाँ, आप बाहर से लोगों को इंस्पायर ज़रूर कर सकते हो, लेकिन अगर उसके अंदर खुद से फीलिंग नहीं आएगी किसी भी काम को करने की, तो आप उस काम को नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये एक इंटरनल फीलिंग होती है, इसी को यहाँ पे बोला गया है कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है जिसको आप एक्सटर्नली या फिर फोर्सली एम्फोर्स नहीं करा सकते। नेक्स्ट इज मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर कर दिया जाता है जिससे कि वो एक डिजायर्ड मैनर में एक्ट करें, और डिजायर्ड मैनर में एक्ट करने का मतलब यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल है उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवाया जा सके। अगर एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर के हिसाब से चलेंगे, जो एम्प्लॉयर बताता जाएगा वो एम्प्लॉयज़ करते जाएंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है,
जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जा सकता है बड़े ही आसानी से. सो दैट्स व्हाई मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. नेक्स्ट इज मोटिवेटर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. मोटिवेशन कई तरीके से किया जा सकता है और जिस तरीके से मोटिवेशन किया जाता है या फिर जिस चीज़ से मोटिवेट किया जाता है वो चीज़ या फिर वो लोग या फिर वो तरीका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल किसी को मोटिवेट किया गया है कि भाई आप ये काम करो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको बोनस मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, आपकी पोस्ट इंक्रीज कर देंगे एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो इससे लोग मोटिवेट होंगे इन अ पॉजिटिव मैनर. लेकिन अगर आप उन्हें बोलते हो कि भाई ये काम तुम्हें करना है और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो आपका डिमोशन हो जाएगा, आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, आपको बोनस नहीं मिलेगा, तो इस मेथड से एम्प्लॉयज मोटिवेट तो होते हैं लेकिन एक नेगेटिव मैनर में मोटिवेट होते हैं. उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है. वो सोचते हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे ऊपर ये पेनल्टी लग सकती है या मेरे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है एटसेट्रा एटसेट्रा. क्लियर. नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. हाँ भाई, मोटिवेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझने के लिए मैनेजर को बहुत टाइम लगाना पड़ता है. एम्प्लॉयर को हर एक एम्प्लॉय का माइंड रीड करना पड़ता है, उसकी एक्टिविटीज़ को देखना पड़ता है जिससे कि पता चल सके कि कौन से एम्प्लॉयज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है. और अगर एम्प्लॉयज़ की वो नीड पता चल जाएगी एम्प्लॉयर को या फिर मैनेजर को, तो वो मैनेजर या फिर एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकता है उसकी नीड को पूरा करने के लिए. और इसी रीज़न की वजह से जो मोटिवेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है. नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. हाँ भाई, मोटिवेशन जो है वो डायनेमिक होता है जिसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं और मोटिवेशन कंटिन्यूसली किया जाता है. जो ह्यूमन वॉन्ट्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं. जैसे ही एक ह्यूमन वॉन्ट पूरी होगी वैसे ही आपकी दूसरी ह्यूमन वॉन्ट भी अराइज हो जाएगी. मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ समझ सकते हो. सपोज करो आपको कोई एक कीपैड फ़ोन दे दिया जाए, उसके बाद आप क्या सोचोगे कि भाई मुझे थोड़ा सा अच्छा फ़ोन मिल जाए, मुझे टच स्क्रीन फ़ोन मिल जाए. तो किसी ने आपको टच स्क्रीन फ़ोन भी दिला दिया. आप सोचोगे कि भाई इसका कैमरा अच्छा नहीं है, मुझे एक ऐसा फ़ोन मिल जाए जिसके अंदर कैमरा अच्छा हो. आपको अच्छे कैमरे वाला फ़ोन भी दिलवा दिया गया. फिर आपने सोचा कि इसमें यार गेम अच्छे से नहीं खेल पाता हूँ, तो आपके पास एक कोई अच्छा गेमिंग फ़ोन भी होना चाहिए. तो भाई आपको गेमिंग फ़ोन भी मिल गया. फिर आपको पता चला कि यार इसमें मेमोरी कम है. तो जैसे जैसे एक डिमांड पूरी होती जाएगी वैसे ही दूसरी डिमांड भी अराइज होती जाएगी. ठीक है, यहाँ पे मेरा मतलब समझाने का बस इतना ही था क्योंकि जो ह्यूमन वॉन्ट्स होती हैं वो एवर चेंजिंग होती हैं. जैसे ही एक डिमांड पूरी होगी दूसरी डिमांड अराइज हो जाएगी. ठीक है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो मोटिवेशन का प्रोसेस है वो भी डायनेमिक हो जाता है क्योंकि पहले जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए मोटिवेशन का प्रोसेस कुछ और था, अब जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए मोटिवेशन का प्रोसेस कुछ और होगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस एज वेल एज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. क्लियर. सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन क्या होता है. मोटिवेशन के तीन इंटर रिलेटेड टर्म्स थे, मोटिव, मोटिवेटर एंड मोटिवेशन. और फिर हम लोगों ने बात करी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में. सो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड्स.